ব্যাকে নাম্বারটা আছে না সাথে সাথে টুকে নিল নিয়ে ও লোকেশন মারি দিল কক করে সব কিছু চলে কোথায় কেস ওইখান থেকে করে দিই হ্যাঁ আমি ডাইরেক্টলি গাড়ি এক টায়ার কই লক করে দিতে यहां पर गाइस ये है पुष्पा राज वाली गाड़ी हम लोग जा रहे हैं एयरपोर्ट तो आप लोग से आगे मिलते हैं साईं अर्पण हम लोग कहाँ जा रहे हैं अर्पण तो भैया एयरपोर्ट पहुंचने में हमें कितना टाइम लगेगा ओके तो गाइस हमें एक घंटा लगने वाला है यहाँ से तो गाइस अभी हम लोग हाईवे आ गए हैं यहाँ से आप लोग देख सकते हैं 39 किलोमीटर सिलीगुड़ी दिखाई दे हम लोग अभी बैठे हैं पुष्पराज वाली गाड़ी में ये है मेरा भंजा और ये मेरा सिस्टर ये कॉर्नर वाला और ये बहन है बीच वाला तो आप लोग से मिलते हैं एयरपोर्ट पर हमें जाना है सिलीगुड़ी एयरपोर्ट पंचगढ़ एयरपोर्ट ये है मेरी मासी माँ ये मेरी माँ की अपने एक सबसे छोटी बहन है गाइस हम लोग बागडोगरा एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंटर कर गए हैं फाइनली हम लोग पहुंच गए बागडोगरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बाहर का नज़ारा कुछ इस तरह का है आप लोग देख सकते हैं ज़्यादा बड़ा नहीं है यहाँ का एयरपोर्ट यहाँ के एयरपोर्ट में ये जो उड़ान है ये जो एयर एशिया ये सब लिखा हुआ है ये सब तो बाहर में है रास्ता से बस 10 मीटर अंदर जाने से ही मिल जाता है देखो यहाँ देखिए फाइनली हम लोग पहुँच गए ये दोनों यहाँ से जा रहे हैं वेस्ट बंगाल छोड़ के ये मेरी माँ की बहन है और ये मेरी सिस्टर है दिखने में तो मुझसे भी छोटे छोटे लगते हैं लेकिन मुझसे 5-5 साल के बड़े हैं अर्पण यहाँ तक ये है मेरा भांजा मेरे सिस्टर की सिस्टर का लड़का और ये है मेरा मेसो माँ की बहन के हस्बैंड हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे मालूम नहीं ये है टिकट काउंटर यहाँ पर जिस तरह एयर एशिया उड़ान सब कुछ है इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ना और यहाँ पर चेकिंग होता है अंदर जाने के लिए एयर इंडिया इंडिगो का इधर में है आप लोग कभी भी आते हो तो यहाँ पर देखो कोच बस ट्रक 280 रुपीज़ और टेम्पो ये सब का 240 कार का 220 बाइक लेके आते हो तो 60 रुपीज़ पार्किंग देना पड़ेगा सुबह के 7 बज रहे और इतना ट्रैफिक ये देखो ये है मेरे सिस्टर मेरे भांजा माँ के बहन और माँ के बहन के दो लड़की और वो है मेसो तो गाइस ये देख सकते हैं आप लोग अभी हम लोग कहाँ पर है ये है बागडोगरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये देख सकते ये है कैमरा मैन अर्पण ये है बागडोगरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट हमारे सिलीगुड़ी में है ये है मसीमा दीदी और बहन ये देखो इसको एयरपोर्ट में ये खेलने के लिए आया है ट्रॉली गाइस मुझे तो अंदर जाने नहीं मिलेगा क्योंकि मैं नहीं जा रहा हूँ जो अंदर जा रहे हैं वो बाहर नहीं आ सकते बाहर के आदमी अंदर नहीं जा सकते तो आप लोग कभी भी आते हैं तो टाइम से पहले अगर पहुँच गए तो एक बार में अंदर चले गए तो फिर बाहर नहीं निकल सकते बाहर के आदमी से और नहीं मिल सकते डायरेक्टली गाड़ी का टायर को ही लॉक कर देते हैं यहाँ पर ये भैया लोग बोल रहे हैं कि इसका गाड़ी में कम से कम 2 साल से इसका इंश्योरेंस फेल था तो पुलिस लोग हाईवे से इसको यहाँ पर आकर पकड़ा है बोल के बोल रहे हैं
तो आप लोग कभी भी एयरपोर्ट आते हैं तो अपना डॉक्यूमेंट्स पूरा ओके करके आए, नहीं तो अभी ये बंदा का जाएगा 8-10 हज़ार रुपया तो जाएगा बोल के बोल रहा था। ये है ट्रॉली, यहाँ ये ट्रॉली को सामान ले जाने के लिए और बाहर लेके आने के लिए यूज़ करते हैं। आप लोगों को बस एक बार बाहर से नज़ारा दिखा देता हूँ क्योंकि अंदर तो जाने नहीं मिलेगा मुझे। अगर वहाँ जाने के बाद आपको विंडो सीट चाहिए तो आपको वहाँ पर क्या करना पड़ेगा, बॉल के लेना पड़ेगा, नहीं बोलने से वो लोग नहीं देगा। अंदर जाके विंडो सीट चाहिए बोल के बोल दीजिए। विंडो सीट चाहिए कि नहीं? नहीं चाहिए बोला गाइस। गाइस यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी है बाहर में। हम लोग टाइम से करीब 2.5 घंटा पहले पहुँच गया तो सोचा कि थोड़ा देर इधर बैठ लूँ, और टाइम तो हो ही गया, वो 1-1.5 घंटा अंदर पहले जाने से अच्छा होता है। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं मेरा ऊपर कितना पसीना आ रहा होगा, शायद आप लोगों को क्लियर नहीं दिख रहा होगा लेकिन बहुत ज़्यादा गर्म लग रहा है। देखो कितना भीड़ लगा हुआ है यहाँ पर, अभी वो लोग अंदर चले गए हैं तो हम लोग भी अब निकलते हैं। और गाइस मैं आप लोगों को बता देता हूँ, मेरे पास मास्क है, अभी फ़िलहाल वीडियो बना रहा हूँ तो मास्क निकाल दिया हूँ। वैसे यहाँ पर कोई कुछ नहीं बोलता है लेकिन मैं मास्क डालता हूँ, और अंदर तो बिल्कुल भी अलाउ नहीं है जब तक आप मास्क नहीं लगाते। तो अगर आप लोग कभी भी आते हैं तो मास्क और कोविड टेस्ट रिपोर्ट ज़रूर लेके आइएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं। गाइस जाने से पहले आप लोगों को दिखा देता हूँ, यहाँ पर ATM भी है अगर आप लोग पैसा निकालने भूल गए हैं तो। और आप लोग कभी भी एयरपोर्ट से बाहर आपको जाना है, अगर आप लोग बाहर से आए हैं और यहाँ पर गाड़ी लेना है आप लोगों को, तो यहाँ पर जीप स्टैंड है अवेलेबल मिलेगा। ये लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं जैसे कि 500-1,000 ऐसा बोलेगा, लेकिन आप लोगों को बस हाईवे तक निकलने के लिए एक ऑटो लेना है, 50-10 रुपये करके लेता है शेयर ऑटो, ज़्यादा 50 रुपये जाएगा। यहाँ से गाड़ी नहीं लेना है, हाईवे निकलने के बाद तो गाड़ी अवेलेबल ही मिलते हैं, बस मिलते हैं और जीप मिलते हैं, बहुत सारे ऑटो। गाइस कभी भी आप एयरपोर्ट आते हैं तो ये है हाईवे, इसको बोलते हैं बिहार मोड़। यहाँ पर आने के बाद आपको बस मिल जाएगा अवेलेबल, कभी भी डायरेक्ट वहाँ से गाड़ी रिजर्व करोगे तो बहुत ज़्यादा पड़ेगा, यहाँ आके आप लोग बस चढ़ सकते हैं एयरपोर्ट, यहाँ तक ज़्यादा 50 रुपीज़ लेगा। वो सारी चीज़ जाने से सिलीगुड़ी मिलेगा लेकिन हम लोग शॉर्टकट करेंगे। उधर से सिलीगुड़ी जाते हैं, एक दिन आऊँगा सिलीगुड़ी एक्सप्लोर करने के लिए, फिर दिखाऊंगा आप लोगों को। ये तो NJP स्टेशन है, ये पूरा का पूरा जो नॉर्थ ईस्ट ट्रेन जाते हैं सब वहीं से जाते हैं, ये साइड से जाना पड़ेगा। गाइस मैं यहाँ पर देखा बहुत से लोग हेलमेट नहीं पहनते हैं, आगे भी आप लोग देख सकते हैं ये भी नहीं पहना है, और आगे भी ऐसा बहुत देख चुका हूँ। तो आप लोग अगर हाईवे में निकल रहे हैं या कहीं भी बाइक राइड कर रहे हैं तो हेलमेट ज़रूर पहने का, क्योंकि सेफ्टी पहले है। ये देखो स्टूडेंट लोग को लेके जा रहे हैं बिना हेलमेट में, खुद नहीं पहना है और दूसरों को बच्चे लोग को भी नहीं पहना है। देखो गाइस बिना सेफ्टी ऑलमोस्ट 70% यहाँ लोग बिना हेलमेट में चलाते हैं। देखो ये भी देखो उसका नेक्स्ट, ये गैस, एक तो गैस ओवरलोड करके रखा है, ऊपर से हेलमेट नहीं पहना है। देखो गाइस आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग बिना हेलमेट का कभी बाइक ना चलाएं, क्योंकि लाइफ बहुत कीमती होता है। 2000 years later। हेलो गाइस, तो हम लोग पहुँच गए हैं अपने गांव, आप लोग देख सकते हैं मैं कहां पर हूँ अभी फिलहाल। वो देखो उधर में चाय बागान है, और नीचे में देखो नदी है, और मेरे पीछे में देखो कितना अच्छा नज़ारा है। भाई का नाम है आकाश। तो गाइस आप लोग भी हाई बोल दो। इस गाँव का नज़ारा देखो कितना अच्छा है, उधर में चाय बागान है, बीच में नदी है, और नदी के साइड में रास्ता है। तो गाइस मेरे आंटी लोग से माँ लोग से मिलो, और आंटी लोग आप लोग कुछ कहना चाहते हैं मेरे चैनल के लिए? लाइक कमेंट कर दीजिए। तो गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पर, आज के लिए बस इतना ही था। आई होप कि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।